तो शुरू करते हैं हम आज की एक्सरसाइज साइड बाय साइड, जिसमें हम वॉक भी लेकर आएंगे शामिल। ये हमारे 11 स्टेप हैं, ये हमारे जाकिर भाई और हमने मैंने मिलके ये 11 स्टेप तरतीब दिए हैं, जिसमें फुल बॉडी वर्कआउट हो जाते हैं। साइड बाय साइड होगा ये, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखेंगे आप, जब ये पाँव लाएंगे तो पाँव को थोड़ा लचक देंगे, थोड़ा सा घुटना आगे मोड़ेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे और हाथ खोल के ये ले जाएंगे। आज हम 11 स्टेप शॉर्ट करके पूरे करेंगे, उसके बाद हम हर स्टेप के मज़ीद फर्दर स्टेप भी करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1 है। 1 के बाद हमने क्या करना है कि कोहनी को लगा लेंगे बॉडी के साथ और हथेली कर लेंगे ऊपर, साइड बाय साइड होगा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, आप 20 टाइम कर सकते हैं। हाथों को थोड़ा शोल्डर के लेवल पर लाएंगे, कोहनी और शोल्डर एक लेवल पर, और हर जगह 90 का एंगल बनेगा। यस, ये देखेंगे कोहनी शोल्डर के लेवल पर आ गई है और 90 का एंगल बन गया है, और मूवमेंट हमारी होगी जैसे दरवाज़ा खोलते हैं और बंद करते हैं, और हथेलियों का रुख जो है वो जब खुलेगा तो सामने की जानी, जब बंद होगा तो अपनी जानी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, ये आप 20 to 30 टाइम भी कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज 4 में हम क्या करेंगे कि हाथों को पीछे लाएंगे और उसी दाएं बाएं, यस, एक मरतबा एक एल्बो आसमान की जानी, एक मरतबा दूसरी कोहनी ऊपर। तो इससे साइड में स्ट्रेच आएगा, ये जो हिस्सा है, यस, इसकी वेरिएशन में जाएंगे, ये आ जाएगी 4th। दाएं जानी देखेंगे, हथेली ऊपर हथेली नीचे, हथेली ऊपर हथेली नीचे, यस। पांव हमारे उसी तरह से चलेंगे, पंजों पे चलेंगे, बाद में एड़ी रखेंगे, घुटना थोड़ा मोड़ेंगे, यस। अब दूसरे हाथ को लेंगे, यस, अब 1 by 1 गर्दन की मूवमेंट भी साथ के साथ, दोनों एक साथ, यस, ये एक्सरसाइज 4 थी, और ये आगे 5th। पाँव को आगे लाएंगे, एड़ी रखेंगे, पिछला घुटना मुड़ेगा, यस, यस, हथेली आगे हथेली पीछे, हथेली आगे हथेली पीछे। इसमें जब तक आप एड़ी लाके आगे नहीं रखेंगे और ये घुटना नहीं मोड़ेंगे, तो जब ये नी बेंड होगा तो ये क्वाड्रिसेप पे काम होगा और ये पीछे हैमस्ट्रिंग पर, और साथ ही शोल्डर की मूवमेंट ये कंटिन्यू रहेगी। और जब थोड़ा सा ऐसे जाएंगे ये, तो शोल्डर हमारा जो है वो भी राउंड शेप में आ रहा है, हथेली भी आ रही है, और ये एक्सरसाइज 5 थी। 5 के बाद करेंगे हम 6। यस, 6 में एक है, पाँव को क्रॉस करेंगे और अपनी अम्बलाइकस नाफ के लेवल पर लाएंगे, साथ में शोल्डर की मूवमेंट भी हमारी कंटिन्यू होगी, गर्दन हिप जाएंगे ये, यस यस यस। एक मरतबा हम इसमें शोल्डर और हिप नी, इसका दूसरा ये कि आप एक जगह खड़े होके और सिर्फ अपर बॉडी को आप ट्विस्ट करेंगे,
यह सब इसमें सामने उठाने वाले पाँव, और ये जो क्वाड्रिसेप है और ये शोल्डर है, इनमें थोड़ा सा थकन फील करेंगे तो आपने पाँव खोल लेने, और ये हमारी जाएगी एरोबिक सेवन। पाँव खोल लेंगे, ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन है। न्यूट्रल पोजीशन में पाँव को उठाकर हम दूसरे पाँव के पीछे क्रॉस में लेके जाएंगे, पीछे। ये वापस ये न्यूट्रल पोजीशन में लाकर रखेंगे, और ये हमारी सेवन है, ठीक है। यस, ये सेवन। अगला स्टेप सेवन में लेकर आएंगे हम कि जो पाँव पीछे जाएगा वही हाथ आगे आएगा। यस यस, जो पाँव पीछे वो हाथ आगे, जो पाँव पीछे वो हाथ आगे, जो पाँव पीछे वो हाथ आगे। यस 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 यस। शाहिद भाई का जो है ना, वो देखिएगा कि जो पाँव आगे वही अब हाथ आगे, सबका यही होता है शुरू में, ये कोऑर्डिनेशन बनता ही नहीं है। जो पाँव पीछे वो हाथ आगे। यस, अपोजिट हाथ को लेके चलेंगे, नहीं आ रहा कोऑर्डिनेशन। चलने दे, कोई मसला नहीं, जिसका जो चल रहा है बाद में इसमें लेकर आएंगे तो बात बनेगी। जो पाँव पीछे वो हाथ आगे, हाथ को लेके जाए आगे। यस यस, हाँ अब सही बात है। चले दोनों कर ले, कंफ्यूजन का शिकार ना हो, दोनों हाथ आगे। यस, सेवन के बाद एट में जाएंगे, थोड़ा जंपिंग, थोड़ा रनिंग, मुख्तलिफ स्टाइल में। यस, सीने के लेवल पर हाथों को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। यस, हाथों को सर्किल बनाएंगे। अपोजिट, यस, अब हम अपना सांस भी बंद करेंगे अगले स्टेप में, और एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करेंगे। यस, एक पाँव आगे ले जाएंगे, एक पीछे, हाथों को ऐसे लाके नीचे क्रॉस करेंगे और वापस सामने लाके ओपन करेंगे। यस, शोल्डर, कमर, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, एंकल, नी, हिप जॉइंट, शोल्डर, सर्वाइकल, तमाम मूवमेंट एक साथ आराम से। यस, कलाई की भी जब ऐसे करेंगे तो। यस, साइड चेंज कर लेंगे। यस, जब नीचे जाएंगे सांस बाहर, ऊपर आएंगे सांस इन, तो ये एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। यस, नाइन्थ के बाद टेंथ में बदन ढीला छोड़ देंगे, सांस बहाल करेंगे, कमर को ट्विस्ट करेंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे के जाके बॉडी के साथ टच हो। इनहेल एक्सहेल जारी रखेंगे, सांस बहाल करेंगे, बदन बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। यस, सामने ले आएंगे। यस, हथेलियों का जानी में हमारे चेहरे का रुख होगा, हथेलियों को देखते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हाथ ऊपर ले जाएंगे। यस, अब हाथों को पीछे ले जाएंगे इस पोजीशन में।
Yes. Again, सामने. Yes. सामने से down. Just like pendulum. Movement back की. Head ढीले छोड़ देंगे. हथेली ऊपर निगाहें. Yes. 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 Up. अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी कलाइयों की, उंगलियों की. स्मॉल जॉइंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बेहद मुफीद एक्सरसाइज है. यस, उड़ेंगे. उड़े. यस. चेहरे पर हवा लगाएंगे. वैसे हवा अच्छी चल रही है आज. कानों पे हवा. यस, राइट अप. लेफ्ट अप. अब सर्कुलेशन, अब जैसे खून की सर्कुलेशन जो हाथों की फिंगर्स और जॉइंट की जानी आती है, जब नीचे करते हैं तो इनको न्यूट्रिशन मिलेगी, और जब हाथ ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से जो भी फासिद मादे जो भी चीज़ों से खून की सप्लाई से नीचे आ जाएंगे. यस. तो हमारे स्मॉल जॉइंट के जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उसके लिए बेहतरीन है. और फिर दोनों की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जस्ट लाइक पियानो स्टाइल, इसमें हैमस्ट्रिंग बैक के साथ जो है हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ के पियानो, और पियानो के साथ ही फिर फिंगर्स को हमने ऐसे झटकना जैसे जल गए हों. इसे कहते हैं बर्निंग हैंड्स. तेज़ जितना तेज़ घुमा सकते हैं, जितना तेज़ हिला सकते हैं. फिंगर्स इतनी तेज़ हिलनी चाहिए कि ये नज़र ना आए. यस, ये हमारे 11 स्टेप पूरे हुए. देखिए, ये फिंगर्स अगर नज़र आ रही हैं तो बताइएगा, और अगर फास्ट है तो बताइएगा. 11 स्टेप हमारे आज जो है वो मुकम्मल हुए. नेक्स्ट स्टेप हम आइंदा आपसे शेयर करेंगे. तो 11 स्टेप आप याद रखिएगा. समरी कर देता हूँ. 1, 2, 3, 4 के ये 5, 6, 7, 8 में रनिंग, 9th में ये दोनों साइड, 10th में मूवमेंट ढीली, और 11th में स्मॉल जॉइंट्स की. 11 स्टेप कंप्लीट. आइंदा फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए. इस एक्सरसाइज को याद कर लें, याद करके परफॉर्म करें. कार्डियक वर्कआउट होगा, पसीने आएंगे और बेहद अफाका होगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.